तरुण जी, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं इन दो लड़कों का। आने वाला है बिजली का बिल, अगर मैं बिजली का बिल अदा करके बच गया तो उसके बाद आ जाएगा टैंकर का बिल। मामा जी, वो बिल तो मगर सॉरी मामा जी, मैं वैसे ही जरा आपसे वो बिल की बात करनी थी, आप ठीक है ना? एक तो मैं तुम्हारी हर तरह की बकवास को बर्दाश्त कर, लेकिन सरन जी के मामले में मैं कुछ बर्दाश्त नहीं करने के मूड। मामा जी, दर्द हो रही है। तुम कहाँ आ रहे हो? मामा जी, ये नीचे करो, लग जाएगी किसी को। अभी दो दिन पहले ही तो सरन जी गिरी हुई थी, इतनी मुश्किल से उनको सही करवा के वापस लटकाया है। तुम दोनों किस कदर खुदगर्ज और अजीब से लड़के हो भाई। एक तरफ तुम उस लड़की और उसके घर वालों के साथ खेल रहे हो और दूसरी तरफ तुम अपने ही मामू के जज्बात के साथ खेल रहे हो। हैं? क्या हो गया, तेरे बाल क्यों नोच रहे थे? तस्वीर को देख के सेंटी हो गई मैं। सॉरी मामा जी। आई नो यू डोंट मीन इट। अपने बड़े भाई की बात सुनकर तुम मुझे सॉरी बोल रहे हो, इसी का तो मैं बोल रहा हूं, मेरा मजाक उड़ा रहा है। बहरहाल अब मेरी बात कान खोलकर तुम दोनों सुन लो। अगर तुम इस एरिया के अंदर मुझे नजर भी आए ना लड़खड़ाते हुए, तो लुढ़कते हुए तुम लोग उस खिड़की की तरफ जाना या फिर उस दरवाजे की तरफ। खबरदार अगर तुम लोग सरम जी की तस्वीर की तरफ आए। सरम जी? वो सरम जी फ्रेडी, रोहान को यहां से लेके जाओ और उसे समझाओ कि सरम जी मेरे लिए क्या है। भाई मैं बताता हूं, मामा जी की नाकाम मोहब्बत है सरम जी। अरे जल्दी जाओ, और ये लेके जाना था।